नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा आज बच्चों से संबंधित एक समस्या आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मोस्टली देखा जाता है कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो बिस्तर में पेशाब करने की उनमें समस्या पाई जाती, तो इस बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा कि जनरली 4 से 7 साल उम्र तक ये समस्या ठीक हो जाती है। और ये समस्या इसलिए होती है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट्स उनकी बॉडी में होते हैं और उस प्रकार जब बच्चों का यूरिनरी ब्लैडर जो होता है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होती है उसमें भी जब कंट्रोल हो जाता है तो यह समस्या अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए मोस्टली पीडियाट्रिशियन और यूरोलॉजिस्ट जो भी हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि 6 से 7 साल तक की उम्र तक हम कोई भी ट्रीटमेंट है मेडिसिनल ट्रीटमेंट वो अवॉइड करें। इसके बाद और भी अच्छे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बेड वेटिंग अलार्म्स, यानी हम अलार्म सेट कर लें 2 घंटे में 2.5 घंटे में जिससे हम देख सकें कि बच्चे ने यूरिन तो नहीं किया और उसे फ्रिक्वेंटली यूरिन के लिए ले जा सकते हैं। ये भी बहुत हेल्पफुल है मेडिसिन लेने की अपेक्षा। और अगर बच्चा बार बार प्रतिदिन यूरिन कर दे रहा है बेड पे तो ऐसी अंडरवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं यूरिन को, जैसे कहीं बाहर जाने की दिक्कत होती है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई बातें हैं लेकिन 4 से 7 साल उम्र तक ये ऑटोमेटिकली देखा जाता है कि ये समस्या अपने आप दूर हो जाती है। इसके बाद ही हमें कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और होम्योपैथी में भी इसका अच्छा इलाज है, रैकवैक कंपनी की R74 मेडिसिन है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा 4 साल की उम्र तक हो गया तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में ज़्यादा कोई दुष्प्रभाव ही नहीं होता है। इस R74 ड्रॉप को आप 8 से 10 बूंद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी होम्योपैथी डॉक्टर से दिखाना अच्छा रहेगा, उसके बाद जो है मेडिसिन दी जाएगी तो और भी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि इनके अलावा और भी मेडिसिंस उस बच्चे की अवस्था देखकर जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हो सकता है बच्चे में और कुछ भी समस्या हो वो भी दूर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।